हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं एलिगेशन की कि एलिगेशन कब लगता है और किस पर लगता है। देखिए, आपको पता है कि 13 तारीख को गुरुदेव पाइसिस में आ चुके हैं, जो कि 12 साल बाद आते हैं। और जिनका भी वीनस एक्सॉल्टेशन है, अगर गुरुदेव वहाँ से ट्रांजिट हो रहे हैं तो उन पर एलिगेशन लगेगा। वीनस और गुरुदेव दोनों एक दूसरे के अति शत्रु हैं। वीनस का वो एक्सॉल्टेशन साइन है पाइसिस, और गुरुदेव का अपना घर है मोक्ष का। लेकिन डिपेंड ऑन कारक तत्व वीनस क्या है, पति पत्नी दोनों का है। जब भी प्लैनेट ट्रांजिट होते हैं और ये 12 साल बाद ही योग बनता है, तो पति पत्नी किसी पर भी एलिगेशन आएगा ही आएगा। कब आएगा डिपेंड ऑन डिग्री, किस नक्षत्र में आएगा। तो आज के नक्षत्र को अपने जन्म नक्षत्र से मैच करना है। जब वो उस डिग्री उस नक्षत्र को क्रॉस करेंगे तब ये एलिगेशन लगेगा। इसका क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो प्लैनेट को काम करने के लिए बोला गया है वो करेगा ही करेगा, और मैंने इसकी कोई रेमेडी नहीं देखी है। ऐसे मुद्दों से दूर रहे, किसी के लफड़े में पचड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़े दिन आप दूरी बना के रखें, क्योंकि ये अगर ट्रांजिट होगा आपके नक्षत्र का और गुरुदेव का, ये कुछ 2 महीने के अंदर ट्रांजिट हो जाएगा। नक्षत्र की पकड़ बनानी है, अब किस वे में होगा। 5, 8, 12 का अगर कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ से आपने केपी को लेना है। केपी सिस्टम में लिखा है फिजिकल रिलेशन है, हिडन लव है। अगर 4th हाउस में है तो प्रॉपर्टी को लेकर लगेगा। अगर 7th हाउस है तो पार्टनरशिप को लेकर लगेगा। तो इस तरह आपने कारक तत्व और भाव को देखते जाना है। और जिसका भी पाइसिस में वीनस है, तो उसका आपको बताती हूँ कि कभी भी उच्च का प्लैनेट अच्छा नहीं है। तो मूल त्रिकोण राशि जाएगी लिब्रा, तो पत्नी सुख है नहीं, क्योंकि पत्नी आपकी पावरफुल है, बहन आपकी पावरफुल है, वो कारक तत्व पावरफुल है, तो उसका एक घर अपना जाता है। ऐसा जीव कला नाड़ी ज्योतिष में बोला गया है, और मैं हमेशा कहती हूँ आप उस बुक को ज़रूर पढ़िए। 90 से 100 कॉम्बिनेशन है, और मेरे को कभी वो गलत नहीं लगे। जब भी कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे नया ही सीखने में मिलता है। आप लोग अपनी कुंडलियों में चेक करें और इस चीज़ से बचें, और ओम नमः शिवाय का आप पाठ करें, या आप ऑनलाइन मंत्र ले सकते हैं माँ तारा का, जब तक ये ट्रांजिट पूरा नहीं हो जाता। तो इसी तरह इस सच से जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ, सच के साथ। बाय।